G72 न्यूज़ को साधुवाद कि आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। मैं चंद्रभूषण सिंह यादव, देवरिया समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला प्रवक्ता हूं। हमारे वहां एक थाना है बरहज, देवरिया जिले में बरहज थाने का एक चौकी सतराव, पिछले 20 मई को सतराव में एक दारोगा जो चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुशवाहा, वो वीरेंद्र कुशवाहा इतना मनबड़दार होगा कि गांव के लोगों का बाजार करने के लिए अगर मोटरसाइकिल चाहे तो 5,000 रुपए का चालान काट देता था, किसी को मारना, हुटर बजाना। और इसी तरीके से दद्दन यादव नाम का एक लड़का जो बाजार में आया हुआ था, उसको अकारण पकड़ करके और जनता के बीच टेरर पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए अपने दरोगई का उसने डंडों से इतना पीटा 20 मई 2024 को कि 21 मई 2024 को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस ने, चुनाव चल रहा था, पुलिस ने 302 का मुकदमा वीरेंद्र कुशवाहा जो दारोगा है उसके विरुद्ध और उसके जो साथ 2-3 और सिपाही और दूसरे लोग थे उनके विरुद्ध कायम किया। चुनाव चल रहा था, समाजवादी पार्टी भी और सारी पार्टियां चुनाव में व्यस्त थी, प्रशासन भी चुनाव में व्यस्त था, इसलिए एक चेतावनी देकर के कि जल्दी उसमें कार्रवाई हो और न्यायोचित कार्रवाई हो, समाजवादी पार्टी के लोग भी चुनाव में सन्नद्ध हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया इस घटना के खिलाफ और इस पर उचित कार्रवाई की मांग किया। चुनाव बीतने के बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जेनालाल यादव जी और कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन राम प्यारे यादव जी, अरविंद साहनी एडवोकेट जो पूर्व MLC स्मृति शेष राम सुंदर दास जी के सुपुत्र हैं और वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, समाजवादी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, मैं, हम सभी लोग पुलिस कप्तान से 4-5 दिन पहले मिले और हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया कि जब हत्या का मुकदमा दारोगा के विरुद्ध कायम है और सरेआम पूरे चौकी के और उस कस्बे के उस गांव के चौराहे के लोगों के सामने उसने डंडों से पीटा और पीटने के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ और उसकी मौत हुई दद्दन यादव की, तो इस प्रकरण में गिरफ्तारी होनी चाहिए जब हत्या का मुकदमा कायम हो। तो पुलिस कप्तान ने कहा कि विसरा प्रिजर्व है और उसकी जांच के लिए गया है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पुलिस कप्तान महोदय विसरा की बात क्यों कर रहे हैं कि विसरा प्रिजर्व है और विसरा जांच के लिए गया है, जब डंडों से उसको पीटा गया और गर्दन से लेकर और पैर के नीचे तक कोई ऐसा स्थान नहीं था जो काला नहीं पड़ा था मरने के बाद। तो ऐसी परिस्थितियों में जब डंडों से सरेआम पिटाई की गई और दूसरे दिन अस्पताल में भर्ती रहते हुए उसकी मौत हो गई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया, तो फिर हत्या का मुकदमा कायम होने के बाद दारोगा की गिरफ्तारी प्रशासन द्वारा न करना उस दारोगा को बचाने का पुलिस विभाग का प्रयास है, कुप्रयास है। और इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया पुलिस कप्तान को, 1 सप्ताह का समय दिया कि 1 सप्ताह में गिरफ्तारी किया जाए, क्योंकि जनता के बीच में, आम जनता के बीच में पुलिस का जो इकबाल है वो कायम रहना चाहिए कि पुलिस जनता की हिफाजत के लिए, और पुलिस भी अगर कहीं ज्यादती करती है, पुलिस भी अगर कहीं गलती करती है तो पुलिस के खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होगी जो आम जनता अगर उस तरह की गलती करती है और उसके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन जो देवरिया का पुलिस प्रशासन है, जो देवरिया का जिला प्रशासन है, लगातार उस अपराधी और हत्यारे दरोगा को बचाने की कोशिश में सन्नद्ध है। इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम अगर 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम 17 जून से सतराव पुलिस चौकी के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इसी की तैयारी के लिए बैठक हुई सतराव में और समाजवादी पार्टी के बरहज विधानसभा क्षेत्र के और अगल बगल के इलाके के तमाम कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष गेदालाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता बिचूलाल चौधरी जी, विधानसभा अध्यक्ष राम बहादुर यादव जी और तमाम साथी हमारे सैकड़ों की तादाद में उपस्थित हुए। और ये तैयारी हुई कि 17 तारीख को बड़ी तादाद में सतराव पुलिस चौकी पर इकट्ठा होना है सोमवार को, और सोमवार को इस मुद्दे को लेकर के कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक को, एक जिसकी जिम्मेदारी जनता के हिफाजत की है, उसने अकारण डंडों से पीट करके मार डाला और उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी अनिश्चितकालीन धरना देगी। और यह धरना तब तक चलेगा, यह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि यह धरना तब तक चलेगा जब तक या तो दारोगा गिरफ्तार हो, अन्यथा
हम सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करे अगर हमारी मांग न्यायोचित नहीं है, अगर हमारी मांग जो है सही नहीं है, तो फिर हम सभी लोगों को गिरफ्तारी करेगी, तभी ये धरना खत्म होगा, ये अनिश्चितकालीन धरना हम लोगों का जारी रहेगा, ये तय किया गया है। तो 17 तारीख को सोमवार को अनिश्चितकालीन धरना समाजवादी पार्टी शुरू करेगी। बहुत बहुत जनपद देवरिया के पुलिस चौकी 17 जून को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश देवरिया, बेकल उत्साही ने क्या खूब कहा था, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किरायादार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया से मात्र 23 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी 17 पुलिस चौकी के दरोगा वीरेंद्र कुशवाहा आदि द्वारा 20 मई 2024 को डंडों से की गई पिटाई से मारे गए ददन यादव के प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक हत्या आरोपी की गिरफ्तारी न होने के मामले को गंभीर प्रशासनिक अक्षमता बताते हुए समाजवादी पार्टी ने आंदोलन का हुंकार भर दिया है। पूर्व घोषित सूचना के मुताबिक 17 जून 2024 से 17 पुलिस चौकी में पर अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम की तैयारी हेतु समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व्यास यादव की अध्यक्षता में 17 में एक बैठक रेलवे स्टेशन के पास संपन्न हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 17 जून को बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होकर ददन यादव प्रकरण में हत्या आरोपी की गिरफ्तारी तक धरना कार्यक्रम शुरू करेंगे। सपाइयों ने कहा कि अब प्रशासन को तय करना होगा कि हत्या आरोपी गिरफ्तार होंगे या न्याय की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी के कारकुन, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी न्यारत कमर कसकर तैयार हो चुकी है कि 17 जून के इस अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम के तैयारी बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष गोनालाल यादव, बेचूलाल चौधरी, मंजूर हसन, चंद्रभूषण सिंह यादव, आशुतोष यादव, अभिनव यादव, सतीश यादव, शमसुल अंसारी, वीरेंद्र यादव, श्रवण यादव, राम नरेश यादव, अंबिका सिंह यादव, राम अर्षे यादव, नथुनी यादव, राजन गुप्ता, पारसनाथ यादव, जावेद अख्तर, अंकित यादव, श्री कृष्ण यादव, राजेंद्र गौण, राजेंद्र यादव, रमेश यादव, राम लीला विश्वकर्मा के साथ ही काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर ये निर्णय लिया है कि 17 जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना पर बैठेंगे। इस बैठक की संचालन विधानसभा अध्यक्ष राम बहादुर यादव ने किया है। E72 ने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश किया है और बात करके जानने का प्रयास किया है कि क्या इसकी गंभीरता है। इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि एक तरफ तो भारत के मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया है, कि इसलिए रखा गया है कि वो प्रभावित करेंगे जांच में, और एक तरफ यहाँ जांच करने के लिए दरोगा साहब को खुलेआम छोड़ दिया गया है कि आप जांच होने में अपना प्रभाव देखते रहें। जो उस वक्त तक जांच नहीं हो पाएगी सही ढंग से जब तक कि दरोगा का गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, ये जनता की मांग है, हम खुद वहाँ के लोगों से सुनेंगे। फिराक गोरखपुरी ने क्या खूब कहा है, ये माना जिंदगी है, 4 दिन की बहुत होते हैं यार, 4 दिन भी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से नाजिम रजा की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आ गया है जांच के लिए, तो विसरा से क्या मतलब है, विसरा जांच होता है कि जहर खा के मरा है कि जहर खा के नहीं मरा है, या इस तरह के मामलों में जब यह सर्वविदित है कि दारोगा ने डंडों से पीटा और पिटाई के बाद अगले दिन उसकी मृत्यु हुई, तो इसमें फिर विसरा का क्या मतलब होता है, विसरा का कोई मतलब नहीं होता है। और जब हत्या का मुकदमा कायम हुआ है तो पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद से जांच होगी, विसरा की बात आएगी या जो भी कानूनी दावपेच है वो सभी लगेंगे, लेकिन पहले तो अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने मारा। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से जंगल राज का ये एक नमूना है कि पुलिस जब किसी को मार रही है तो उसको महीनों तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसको समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी
और हमारे जिलाध्यक्ष व्यास यादव जी और पूर्व जिलाध्यक्ष गेनालाल यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष राम बहादुर यादव जी और जिले भर के जितने भी पार्टी के नेता हैं सभी लोग अब 17 जून को यहाँ बड़ी संख्या में आएंगे और यह गिरफ्तार, अब यह धरना तब तक चलेगा जब तक या तो अपराधी दारोगा गिरफ्तार हो या हम सभी लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल में डालें।